जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे। तो हमारे मुंबई में आ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर बालाजी के नाम से बहुत ही फेमस हैं। तो देखते हैं, पास वास का जुगाड़ किया जा रहा है। अगर पास के जुगाड़ से हमें उनका दर्शन करने को मिलता है तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं। तो चलिए, मम्मी हमारे खाने पीने का सामान लेके निकल रही हैं और चिली मिली भी जा रहे हैं दर्शन करने। क्या चल, ये भी कहाँ जा रहे हो? कथा में चल निकल। क्या जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हो? और यहाँ आते ही हम सब लोग साइड में खड़े हो गए थे, क्योंकि गेट के पास बहुत ही पब्लिक भीड़ लगा के खड़ी हुई थी। सब लोग गेट वेट तोड़ ताड़ के अंदर घुस चुके थे, तो पास वास का तो कोई मतलब ही नहीं था हमारा। सभी ने पास लिया हुआ था, हम उसके सब बाहर 200-300 के पास बेच भी रहे थे, बट कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि पब्लिक पे तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। तो सब भागे, सारे के सारे वैसे घुसे हुए। जितना ही पास जाने के लिए सोचे थे उतने ही दूर हम खड़े हो गए थे, बट ठीक है, दर्शन हो गए थे हमारे। तो आप लोग भी देखिए, निवेदन है कि आप लोगों को जहाँ पर भी जगह मिल गई है, आप लोग खड़े आ रहे हैं, जो भी आपको जगह मिली है आप लोग कृपया वहाँ पर बैठ जाए, क्योंकि आप अगर खड़े रहेंगे तो आपके जो पीछे लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाएगा। हम श्री राम जी के भक्त और राम जी के सबसे पहले हमारे भक्ति हम इस तरह से दिखाएं कि एक सभ्य और सम्मानित जनता बनकर यहाँ पर बैठे, और मेरी यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं ये तुम्हारे दादू पगलों को नवाए गया अपन बहुत बहुत जो तुम वीडियो बनाओ। ये मेरे बच्चे का घर है। पहली बार जो दिव्य दरबार में आए हैं, हम आप सभी को बागेश्वर बालाजी सरकार के नियम बता देते हैं, क्योंकि जिनका भी वर्षा बनेगा, जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, बागेश्वर धाम पहुंचना अनिवार्य है। आप दूर से हैं तो है, महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, पांच महीने में आप बागेश्वर धाम पहुंच सकते हो, लेकिन आपको बागेश्वर धाम जाना अनिवार्य है। सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार तो सभी जानते हैं कौन है और कहां से है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश में
छतरपुर में खजुराहो के पास ग्राम घड़ा गांव में विराजमान है। यहां से जाने के लिए आपको बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड है ही है, और दिल्ली से खजुराहो बाय फ्लाइट भी आप जा सकते हैं। बागेश्वर बालाजी जो स्वयंभू है, जो प्रकट हुए थे वहां पर, और पिछली 3 पीढ़ियों से वहां दिव्य दरबार लग रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान के दादा गुरु जी, जिनका आप चित्र देखते हैं कथाओं में भी हर जगह, और उनके पूर्व उनके दादाजी दिव्य दरबार लगाते थे। पिछले 12 साल से लगातार गुरुदेव भगवान के द्वारा बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार, या जहां कथाएं होती हैं या दरबार होता है वहां पर दिव्य दरबार होता है। लेकिन एक दिव्य दरबार भी बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार होता है, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क पैसा नहीं लिया जाता है। चाहे आप धाम पर हो, चाहे आप कहीं कथाओं में भी हो, या कहीं भी कार्यक्रम में हो, पूर्णतः निःशुल्क दरबार है। तो हमेशा ही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की सेवा कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार पूर्णतः निःशुल्क है, था और हमेशा रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी पैसा बागेश्वर धाम पर नहीं लगता है, चाहे गुरुदेव भगवान से मिलने का हो, चाहे दर्शन करने का हो, चाहे टोकन नंबर लगाने का हो, या फिर पर्चा बनवाने का हो, तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यह सूचना आप सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार पूर्णतः निःशुल्क है। आज जिन भक्तों का पर्चा बनता है, मंगलवार का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगता है। सुबह 6 बजे की महाआरती होती है, महाआरती में शामिल होना पड़ता है। आपको अपना पर्चा लेकर आना है, कार्यालय में दिखाना है, कार्यालय में टोकन नंबर लेना है। टोकन नंबर भी निःशुल्क है, एक सुविधा है आप लोग को अंदर आने के लिए। 21 बार बागेश्वर धाम आपको पहुँचना है, 5 बार हनुमान चालीसा के करनी है, 21 परिक्रमा लगाने हैं। प्याज लहसुन मांस मदरा का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार के, या कहीं भी आप बालाजी के धाम हनुमान जी के धाम जाते हैं, तो ये वहाँ के नियम होते हैं, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। आज सामूहिक अर्जी गुरुदेव भगवान लगाएंगे, आज से प्रारंभ होगी। लेकिन बागेश्वर धाम आपको पहुँचना है, 21 बार पहुँचना है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान जी भी कहा जाता है। जिस तरह से कोर्ट में हमारी फाइल लगती है और हमारी एंट्री होती है और हमारी फिर अगली डेट मिलती है हमको, तो प्रेसिंग स्टार्ट होती है, ऐसे ही बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान जी है, वहाँ भी प्रेसिंग होना प्रारंभ होती है। लेकिन आपकी जो भी समस्याएं हैं, आज से ही समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी, क्योंकि ऐसे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा सब पर अपने भक्तों पर बनी हुई है। केवल राम नाम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। केवल राम नाम का आपको जाप करना है, चाहे आप कहीं भी हो, पहले वाले ग्राउंड में हो या दूसरे वाले ग्राउंड में हो, साइड में बैठे हो, पीछे हो, ये मत समझिए कि आप अभी नहीं बैठ पाए तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होना है। आप कहीं पर भी हो, आपका नाम सहित गुरुदेव भगवान आपको बुला लेंगे। अपनी समस्या किसी को नहीं बताना है, कोई बात नहीं। ये मत समझना कि जो आगे बैठे हैं वो सेवादार है, सबसे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो टेस्टिंग किया है। Yeah!
हमको भी दर्शन हो जाएंगे और ज्यादा लोगों को ज्यादा खुशियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बही की बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के पाप से भी नहीं डरता है। भारत ऋषियों का देश है, यहाँ ऋषियों की महिमा के चमत्कार तो आदिकाल से तुलसीदास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, स्वयं महाराष्ट्र के सिद्ध संत नामदेव जी, अनेक अनेक महापुरुषों की उपस्थिति से और सद्गुरु सन्यासी बाबा की उपस्थिति से होते रहे, हो रहे, जब तक इस दुनिया में मानव रूपी सभ्यता रहेगी तब तक संतों का चमत्कार कायम रहेगा। मेरे पागलों, संतों की भूमि, वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहाँ हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को लाखों जने चमारा। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। जय श्री राम। श्री राम जी के दर्शन करना, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। कोई और नहीं है तो भैया, हवा भटकने की आवश्यकता नहीं, हम ही से देख लो। बड़े बड़े तर्क साथ लगे, नाम विनोदों का आवाज घर गए। मैं